आज हमारा सॉफ्टवेयर एडवांस सेक्शन, जिसके अंदर लेक्चर नंबर 9 है और आपके टॉपिक का नाम है एमएस एक्सेल फंक्शंस। एक्सेल के अंदर कुछ फंक्शंस बनाए गए हैं, क्रिएट होने हैं, उनके थ्रू आप किस तरह से काम कर सकते हैं या उनको किस तरह से अपनी वैल्यूज और बाकी चीज़ों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, शीट्स के अंदर जब आपको काम करवाया गया था एडवांस एक्सेल की, तो उसके अंदर कुछ फंक्शंस पे आपको काम करना बताया गया था और प्रीवियस एक प्रोग्राम में आपको ऑन फंक्शन क्रिएट करने बताया गया। तो वो सारे फंक्शन जो एक्सेल के अंदर एक्सेल के जरिए क्रिएट हुए हैं, उनको उनसे आप किस तरह से काम ले सकते हैं, उनको यूज़ करते हुए आप किस तरह से वैल्यूज या किसी भी टेक्स्ट से कोई काम करवा सकते हैं। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सर हमने अपनी हेडिंग वगैरह सेट करनी है। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ फंक्शन होगा इज इक्वल टू अपर ब्रैकेट के अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे आपने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप किया, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आप इस टेक्स्ट को अपर केस में चेंज करें। अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज, टूडल केस और सेंटेंस केस, ये 5 केसेस होते हैं जो अल्फाबेट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, अब देखिए अपर केस में क्या होता है, सारे अल्फाबेट कैपिटल आते हैं, तो मुझे इस टेक्स्ट को अपर केस में चेंज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, फंक्शन अप्लाई करूँगी, इज इक्वल टू लगाऊंगी। जब भी आप कोई फंक्शन या फॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले इज इक्वल टू मस्ट होता है। इज इक्वल टू लिखने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पर अपर की कमांड दी, ब्रैकेट ओपन किया। अब जिस टेक्स्ट को आपने अपर केस में चेंज करना है उसे आप सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए वो अपर केस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको इस टेक्स्ट को लोअर केस में चेंज करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू लिखेंगे, लोअर टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो लोअर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपके पास, अगर आपको इस टेक्स्ट को प्रॉपर केस कहलाता है, सेंटेंस केस, जिसके अंदर सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल आता है, तो अगर आपको इसको प्रॉपर केस में चेंज करना है तो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे, प्रॉपर लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो प्रॉपर में आ जाएगा फर्स्ट वर्ड कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। तो इस तरह से ये हमने 3 केसेस पे काम किया है, अपर केस, लोअर केस एंड प्रॉपर केस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट हम फंक्शन यूज करेंगे लेंथ का। अब लेंथ का क्या मतलब है, जिस तरह से मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे इस वर्ड के अंदर कितने करेक्टर हैं, कितने अल्फाबेट हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेंथ का फंक्शन यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू करेंगे, एल ई एन लिखेंगे, लेंथ लेंथ की शॉर्ट फॉर्म है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपको बता देगा आपके इस वर्ड के अंदर 5 लेटर्स या 5 करेक्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपने वर्ड्स की लेंथ मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे रिपीट। जैसे इस टेक्स्ट को मुझे रिपीट करवाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिपीट का फंक्शन यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू डालेंगे, आर ई पी टी टाइप करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये रिपीट की शॉर्ट फॉर्म है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, जिस टेक्स्ट को आपने रिपीट करवाना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। अब कितनी मरतबा रिपीट करवाना है, कोमा डाल के आगे आप लिख देंगे मुझे 5 टाइम्स रिपीट करवाना है, तो एंटर प्रेस करेंगे तो 5 टाइम आपका जो साहिल है वो रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास, हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे लेफ्ट की कमांड। अब इसका क्या मतलब है, इज इक्वल टू लिखा, एल ई एफ टी लेफ्ट लिखा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, मैं चाहती हूँ इस टेक्स्ट के जो मैंने सेलेक्ट किया है लेफ्ट साइड के 2 वर्ड मुझे इस वाले सेल में टाइप होकर आ जाए। ठीक है, टाइप होकर मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू लेफ्ट किया, ब्रैकेट ओपन किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कोमा डाल के क्या चाहिए, लेफ्ट साइड के 2 वर्ड चाहिए, तो 2 लिख दिया आपने, एंटर प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड के जो 2 वर्ड्स हैं एस ए 2 अल्फाबेट्स हैं, करेक्टर हैं, वो आ जाएंगे। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे राइट की कमांड, इक्वल टू राइट लिखा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, अब मैं चाहती हूँ इस टेक्स्ट से राइट साइड के 3 वर्ड्स आ जाएँ, शो हो जाएँ इस सेल के अंदर, तो कोमा डाल के आपने यहाँ क्या करना है, 3 टाइप कर देना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो राइट साइड के 3 वर्ड आ जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे कंकेट की कमांड। कंकेट की कमांड से हम क्या कर सकते हैं, ये जो अलग अलग 2 टेक्स्ट या वैल्यू कोई भी है उनको हम एक ही सेल के अंदर मर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, इज इक्वल टू लगाया, उसके बाद कंकेट की कमांड लगाएंगे, कंकेट
उसके बाद आप क्या करेंगे, इस कमांड को लगाने के बाद, फंक्शन को रखने के बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जिन दो वैल्यू या टेक्स्ट को आप इसमें मर्ज करना है, वन बाय वन को सिलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कॉमा डालेंगे, सेकंड टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे, तो वो देखें वो दोनों सेल के जो टेक्स्ट या वैल्यू होंगी मर्ज होकर एक ही सेल में आ जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इंटीजियर। ठीक है, नेक्स्ट हम इंटीजियर की कमांड यूज़ करेंगे। अब इंटीजियर में हम क्या करेंगे, जिस तरह से किसी की परसेंटेज, किसी स्टूडेंट की परसेंटेज आई है 99.45, ठीक है, या फिर 89.45। तो देखें कभी भी, जब भी आपने देखा होगा कि रिजल्ट में परसेंटेज आती है तो परसेंटेज के साथ पॉइंट के बाद वाली कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू नहीं लिखी जाती, बल्कि पॉइंट से पहले वाला जो फिगर होता है उसी वही लिखा हुआ आता है। अब देखें जिस तरह से अगर किसी की परसेंटेज 89.45 आई है, तो 89.45 कहते हैं राउंड ऑफ फिगर होकर 90 में चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि 90 में चेंज होने के लिए इसे यहाँ से 6050 या 60 से अबव होना चाहिए। ठीक है, तो ये 50 या 60 से अबव नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे कि जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू इसको ख़त्म कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वल टू लगाएंगे, int मतलब इंटीजर सेट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, उस परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो देखें आपके पॉइंट वाली वैल्यू के बाद, सॉरी पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगी उसको ख़त्म करके जस्ट फर्स्ट फिगर होगा वो दिखा देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अगर किसी की परसेंटेज आ जाए 89.99, ठीक है, तो अब देखिए 89.99 आ रही है अगर किसी की परसेंटेज, तो ये राउंड ऑफ फिगर होकर 90 में चेंज होगी, क्योंकि यहाँ 50 या 60 से अबव है वैल्यू हमारे पास। तो हमने क्या करना है, अब इसकी पॉइंट वाली वैल्यू को ख़त्म नहीं करना, बल्कि एक ही डिजिट डलेगा, उसके बाद ही किसमें नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है 90, नेक्स्ट जो हमारा नंबर है परसेंटेज है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राउंड का फंक्शन यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू लिखेंगे, राउंड लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, अब कितने कौन से नंबर्स के अंदर हमें इसे कन्वर्ट करना है, कोमा डाल के नेक्स्ट स्टेप यानी वन नंबर के अंदर, एक नंबर आगे इसको करना है हमें, ठीक है, राउंड ऑफ फिगर करना है एक नंबर आगे, तो एंटर प्रेस करेंगे तो देखें राउंड ऑफ फिगर होकर 90 में चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप अपनी पॉइंट्स की वैल्यू को ख़त्म कर सकते हैं, या तो उन्हें राउंड ऑफ फिगर कर सकते हैं, या उनको ख़त्म करके अपना फर्स्ट फिगर यूज़ कर सकते हैं परसेंटेज के तौर पर। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम प्रोडक्ट की कमांड यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट क्या है, जैसे यहाँ पे आपने टाइप किया, वैल्यूज टाइप की, अब मुझे इन सारे वैल्यूज़ को, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने के लिए मैं इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवाना चाहती हूँ, मैं बार बार एक एक वैल्यू के ऊपर काम नहीं करना चाहती। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट क्या करता है, प्रोडक्ट को लिखने के बाद, प्रोडक्ट के फंक्शन को यूज़ करने के बाद, आप जिन भी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे वो उन सारी वैल्यूज़ को एक साथ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके आंसर आपको दे देगा इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है पावर, यानी कि अगर आपको किसी नंबर को पावर देनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू पावर लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, किस नंबर को पावर देना चाहते हैं, मैं 2 को पावर देना चाहती हूँ, कितनी पावर देना चाहते हैं, कोमा डाल के 4 टाइम्स 4 पावर देना चाहती हूँ, तो क्या होगा, 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 2 2 4 4 2 8 8 2 16। ठीक है, नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में क्या होता है, अगर किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना तो किस तरह से निकालेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू SQRT लिखेंगे, जो कि स्क्वायर रूट की शॉर्ट फॉर्म है। स्क्वायर रूट का फंक्शन रखने के बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब किस चीज़ का स्क्वायर रूट आप मालूम करना चाहते हैं वो नंबर लिख देंगे, मुझे 9 का स्क्वायर रूट मालूम करना है, एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9। जो 9 जो आपका स्क्वायर रूट उसका जो निकलेगा वो क्या है, 3 3 3 9। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास सम। ठीक है, जैसे ये सारी वैल्यूज लिखी हुई है, मुझे अब इनको सम करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, सम लिखने के बाद, सम का फंक्शन रखने के बाद, इन सारी वैल्यूज को एक साथ आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो देखें आपकी सारी वैल्यूज ऐड हो गए, सम होकर आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे एवरेज। ठीक है, एवरेज किस लिए यूज़ किया जाता है, एवरेज यूज़ किया जाता है जैसे कि इन वैल्यू में कोई दरमियाना नंबर निकालने के लिए, दरमियानी वैल्यू निकालने के लिए हम एवरेज यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने एवरेज का
अब हम देखेंगे कि हमारी ये जो वैल्यू लिखी हुई है इनमें से कोई कौन सी ऐसी वैल्यू है जो ना किसी नंबर से छोटी है ना बड़ी है, यानी कि दरमियानी है। जैसे आप किसी स्कूल वगैरह में जाते हैं वहाँ पे आप उनकी तादाद मालूम करते हैं, तो अगर 250-300 के करीब बच्चा पढ़ता है, 300 बोलेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 200 बोलेंगे तो कम हो जाएगा, तो बीच वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एवरेज। तो हम क्या करेंगे, अब इन नंबर्स को, इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, इनमें से जो भी दरमियाना नंबर होगा वो एवरेज के थ्रू हमें पता चल जाएगा कौन सा है दरमियाना नंबर, 4 है क्योंकि वो 2-3 से छोटा नहीं है और 5-6 से बड़ा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू काउंट। ठीक है, इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, काउंट लिखा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे हम। ठीक है, सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब काउंट हमारा क्या करेगा, जितने भी हमने सेल को सिलेक्ट किया है उनको काउंट करके हमें बता देगा कितने सेल हमने सेलेक्ट किए हैं, 6 सेल हमने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, काउंट ए। काउंट ए हमारे पास क्या करेगा, इज इक्वल टू काउंट ए प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, काउंट ए में देखें मैंने ब्लैंक सेल भी सिलेक्ट किया है, वैल्यूज के साथ जो खाली सेल था उसको भी सिलेक्ट किया, लेकिन काउंट ए क्या करेगा, जिसके अंदर वैल्यूज लिखी हुई है सिर्फ उन सेल को काउंट करेगा, बाकी ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करेगा। तो हमने कितने सेल के अंदर वैल्यू ऐड की थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो हमें बता देगा इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास काउंट ब्लैंक। मैं इसी के अंदर चेंजिंग कर रही हूँ, मैं एक हटा के ब्लैंक लिख रही हूँ। तो काउंट ब्लैंक क्या करेगा, जिन सेल में वैल्यूज है उनको नहीं शो करेगा, सिर्फ जो खाली सेल आपने सेलेक्ट किया उसको बता देगा कितने खाली सेल हमने सेलेक्ट किए थे, 1। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मैक्सिमम। ठीक है, इज इक्वल टू मैक्स, एम में एक्स का मतलब है मैक्सिमम, यानी कि इन जी जो वैल्यू मैं सेलेक्ट कर रही हूँ इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो वो आपको बताएगा कौन सी है, 6 है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मिनिमम। मैं इसी में F2 से, जो मैंने आपको शॉर्टकट की में बताया कि F2 प्रेस करके आप सेल की वैल्यू या टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, तो मैं F2 से इसी के अंदर क्लिक करके अपनी फंक्शन चेंज कर दूँ। नेक्स्ट हमारे पास है मिनिमम, MIN का मतलब मिनिमम, यानी कि जो हमने वैल्यू सेलेक्ट की इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, एंटर प्रेस करेंगे, 2 है सबसे छोटी वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मीडियन। मीडियन हमें क्या बताएगा कि दरमियानी वैल्यू कौन सी, ये एवरेज की तरह काम करेगा, यानी कि उस वैल्यू का बताएगा जो ना किसी वैल्यू से छोटी हो ना किसी वैल्यू से बड़ी हो बल्कि दरमियानी वैल्यू हो। एंटर प्रेस करेंगे तो क्या है, 4। ठीक है, यानी कि दरमियानी वैल्यू 2-3 से छोटी नहीं और 5-6 से बड़ी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोड। ठीक है, MODE, मोड हमारा क्या करेगा, मोड हमें बताएगा कि आपने जो ये वैल्यू सेलेक्ट की है इसमें से अगर कोई एक वैल्यू एक से ज़्यादा मरतबा लिखी गई है तो उसका बताएगा। आपको नज़र आ रहा होगा 4 दो मरतबा लिखा गया, यानी कि एक से ज़्यादा मरतबा लिखा गया, तो एंटर प्रेस करेंगे तो आपको बता देगा, देखें यहाँ पे आ गया 4, जो कि इन वैल्यूज में एक से दो बार लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू, आप टुडे प्रेस करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आज की डेट आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, ये फंक्शन के थ्रू हम डेट लाने, लास्ट टाइम आपको शॉर्टकट की के थ्रू भी डेट लाना बताई थी, और डेट वही आएगी जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में सेव है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू नाउ करेंगे, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, तो डेट के साथ साथ आपका टाइम भी शो हो जाएगा, वही टाइम आएगा वही डेट आएगी जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में सेव है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। तो इस तरह से ये आपकी शॉर्टकट, आज के जो फंक्शन है, लास्ट टाइम आपको शॉर्टकट कीज करवाई गई थी और आज के उसमें से कुछ फंक्शंस की भी हमने आपको शॉर्टकट की बता दी थी, जैसा टाइम हम फंक्शन के थ्रू भी ला सकते हैं और डेट फंक्शन के थ्रू भी ला सकते हैं और हम शॉर्टकट कीज के भी जरिए ला सकते हैं। तो लास्ट टाइम आपने शॉर्टकट कीज की सीखी थी एडवांस एक्सेल के अंदर, आज हमारा जो एडवांस एक्सेल का लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 9 था, जिसके अंदर हमने एक्सेल के फंक्शन सीखे हैं। तो आप इनको नोट डाउन करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है।